इंदौर में बदबू और गंदगी की समस्या से निजात पाने के लिए बच्चा गैंग ने परिषद के खिलाफ मोर्चा खोला। स्वच्छता को लेकर 100 बच्चों ने गौतमपुरा नगर परिषद के खिलाफ रैली निकाली और नगर परिषद का घेराव भी किया। आज जो दशहरा पूर्व दशहरा मैदान है, यहाँ पे वर्षों से नगर परिषद का जो वेस्ट निकलता है कचरा वो वहाँ पे डंप हो रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के बड़े भाई की हत्या का हुआ खुलासा। शराब के खर्च की बात को लेकर की साजिश पूर्वक हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़वानी नगर पालिका उप निर्वाचन में वार्ड 13 के रिक्त पार्षद पद के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र गोले के समर्थन में नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यालय का आगाज किया गया। आज हमारा वार्ड का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अब हम जनसंपर्क में जा रहे हैं और ये हमारा परंपरागत कांग्रेस का वार्ड रहा है। कांग्रेस किसी बार भी हमारे मन के अच्छे तरह से सीहोर में धार्मिक कार्यक्रम को लेकर तेज हुई राजनीति। कांग्रेस ने बीजेपी की मुगल शासन से की तुलना तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर धर्म के नाम पर राजनीति का लगाया आरोप। मुरैना के प्रेमपुरा इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से कई हथियारों कारतूस किए जब्त। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा। 24 क्विंटल डोडा चूरा बरामद। मंदसौर से गुजरात ले आया जा रहा था डोडा चूरा। मंदसौर की तरफ से एक ट्रक आ रहा है, गुजरात ट्रक आ रहा है, जिसको पूरी तरह की कमी लगी है और इस ट्रक में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ हो सकता है। ब्रह्मकुमारी संस्था ने महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली कलश यात्रा। भगवान शिव पार्वती सहित ज्योतिर्लिंग की झांकी रही साथ, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हुई शामिल। रायगढ़ के ऐतिहासिक नटवर स्कूल के नाम बदले जाने सहित उसे हिंदी माध्यम की शिक्षा से छात्रों को वंचित किए जाने के विरोध में धरना आंदोलन शुरू हुआ। राधेश्याम शर्मा ने कहा, रायगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने हम सब रायगढ़ वासी एक साथ खड़े हैं। रायगढ़ कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी ला भगाए बर स्कूल बचाओ मोर्चा हर आज ले आंदोलन प्रारंभ करी से और ये जब तक मतलब भगा नहीं लेगी। महाशिवरात्रि पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नर्मदा तट पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। बम बम भोले के जयकारे से गूंजा नर्मदा तट। महाशिवरात्रि पर्व पर अमरनाथ सेवा समिति एवं संपूर्ण ग्रामवासी की ओर से 25 क्विंटल साबूदाना खिचड़ी सूखी प्रसादी का। महाशिवरात्रि पर सुबह से ही लगी मनेन्द्रगढ़ के सिद्ध बाबा धाम में भक्तों की भीड़। ऊंचे पहाड़ पर है भगवान शिव का मंदिर। भक्त दर्शन के बाद करते हैं प्रसाद ग्रहण। उज्जैन के चार धाम मंदिर के पास महाकाल मंदिर की दर्शन लाइन में मची भगदड़। श्रद्धालुओं ने मेटल डिटेक्टर और बैरिकेड तोड़े। पुलिस के जवानों ने भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति को संभाला।
कन्या महाविद्यालय की शाखा दूर होने से छात्राओं को हो रही परेशानी। शहर से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया कॉलेज। 1000 से ज्यादा छात्राओं को किया गया नए शाखा में स्थानांतरित। अवैध रूप से संचालित हो रहे बायो डीजल के गोडाउन में लगी भीषण आग। धमाकों की आवाज से दहला इलाका। सहमे ग्रामीण। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। संबल योजना में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। पीड़ित ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर निष्पक्ष जांच करने की मांग। विधायक रघुनाथ सिंह ने भी निष्पक्ष जांच की मांग। वहीं नगर पालिका के सीएमओ ने मामले की जांच की शुरू। शहर में महाशिवरात्रि की धूम। डबरा के शिवालयों में भक्तों की भीड़। भोलेनाथ के अभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। जयकारों से भक्तिमय हुआ वातावरण। आज महाकाल के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा माहौल लग रहा है कि बहुत समय बाद ये दर्शन हो रहे हैं। बहुत खुशियां जाहिर हो रही है। आष्टा में महाशिवरात्रि महापर्व की दिखी धूम। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी। बम बम भोलेनाथ के जयकारों से गूंजे शिवालय। विजेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है 2 शिवलिंग। तिल तिल कर बढ़ता है प्राचीन विजेश्वर महादेव मंदिर विजवाड़ का शिवलिंग। महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। विश्व के 5वें धाम 24 अवतार मंदिर में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे। पूरे नगर में चप्पे चप्पे पर लगा पुलिस बल। शिवरात्रि को लेकर पूरे नगर में उत्साह का माहौल। सोना घाटी शिव मंदिर सहित शहर के प्राचीन शिव मंदिर और छोटा महादेव भोपाली में उमड़े शिव भक्त। 2 साल बाद शिवालयों में लौटी रौनक। जगह जगह मेलों और भंडारों का आयोजन जारी। अरावली की पहाड़ियों में बना सुखानंद तीर्थ धाम मंदिर पर अति प्राचीन शिवलिंग। हर साल महाशिवरात्रि को लगता है श्रद्धालुओं का तांता। मंदिर का इतिहास कई साल पुराना। आयोजन 1995 से चल रहा है। नीमच जय माता जी परिवार और सेवा विभाग जी दोनों की तरफ से और प्रतिदिन 25-30 किलो आटे की बाटी होती है श्रद्धालुओं नीमच से और सेवा विभाग। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भक्तों का लगा तांता। शाजापुर के शिव मंदिरों में भी सुबह भगवान शिव का अभिषेक कर आरती की गई। वहीं महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक हुआ। शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने धूमेश्वर धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। लगभग 500 वर्ष पुराना है धूमेश्वर धाम मंदिर का इतिहास। ग्वालियर जिले के भितरवार में स्थित है धूमेश्वर धाम मंदिर। बेमित्रा से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत सहसपुर में 16 स्तंभों वाला प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। शिवरात्रि पर दूर दराज से भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं श्रद्धालु।
बेटवा में सड़कों के हाल बेहाल, सड़कें बनी हादसों का सबब जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे रहवासी, वाहन चालकों को हो रही परेशान। तो इसलिए जो है पूरी तरह से इसको पक्का करने के लिए जो है समय दिनों से समय लेकर जो है इसका निराकरण किया गया। सेल्समैन के साथ हुई लूट के मामले में राजगढ़ पुलिस को मिली सफलता, पुलिस ने चार लुटेरों को किया गिरफ्तार, 54,000 नगद सहित दो बाइक भी की जब्त। ग्वालियर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा का अशोकनगर कंट्रोल रूम में दौरा, अपराधों के बारे में जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों के लिए परेशान हुए परिजन, संपर्क में रुकावट आने से बढ़ गई चिंता, भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। उज्जैन के आगर रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, हादसे में करीब 15 लोग हुए घायल। रतलाम में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने, झाड़ियों के बीच मिला नवजात, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। सर से जो मेरी बात हुई है उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा स्टेबल है और बच्चा ठीक है तो हम यहाँ पे जो शिशु पोषण के लिए जो अधिकारी की टीम भेजी है हम उनको जिले से भेजेंगे। पृथ्वीपुर में बैंक से 1.5 लाख रुपए लेकर निकले युवक से झटका, बैग चंद मिनटों में धरा गया, उठाई गिरा, स्थानीय लोगों ने जमकर की धुनाई। सर वो 12 बजे से अभी तक मैं यहाँ तक नहीं पहुँची हमारे पास में, सर तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन हमारी तरफ से मदद करे। जगदलपुर में संजय गांधी बाट के पार्षद कोमल सेना की गिरफ्तारी, कोमल सेना पर भ्रष्टाचार का आरोप, बीजेपी का कहना ये सिर्फ बदले की राजनीति। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पत्रकार वार्ता का आयोजन था।